वेलकम गाइस, आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ क्रेडिट पॉकेट फास्ट कैश लोन इस एप्लीकेशन के। आप लोग देख सकते हो 5K डाउनलोड हुआ है, नया एप्लीकेशन है, फ्रेश एप्लीकेशन है। तो आज मैं आप लोगों को ना इस एप्लीकेशन की पूरी रियलिटी बताने वाला हूँ, कैसा एप्लीकेशन है, रियल है या फेक है, सेफ है या नहीं, आप लोगों को इस एप्लीकेशन पर लोन मिलेगा या नहीं, क्या क्या इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ सकता है, और इस एप्लीकेशन का कस्टमर केयर कॉन्टेक्ट डिटेल्स क्या है, पूरी चीज़ें बताएंगे गाइस। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। रिक्स एप्लीकेशन है गाइस, अगर आप लोगों को पूरी चीज़ें मालूम नहीं पड़ेगा तो बाद में आप लोगों को इश्यूज आ सकता है। तो एवरी डिटेल जो भी मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को ध्यान से देखना है, ठीक है। अभी गाइस एक चीज़ मैं पहले ही आप लोगों को बता दूँ, ये जो क्रेडिट पॉकेट लोन एप्लीकेशन है यहाँ पे लोन मिलने का 100% गारंटी तो नहीं है। अभी फ़िलहाल नया एप्लीकेशन है, आप लोग अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन भाई आप लोगों को 100% ऐसे कोई गारंटी नहीं दे सकता कि भाई आप लोगों को लोन मिलेगा। आप लोगों को रिजेक्शन भी मिल सकता है। और यहाँ पे गाइस बहुत लोग पूछते हैं कि भाई ये जो क्रेडिट पॉकेट लोन एप्लीकेशन है रियल है या फेक एप्लीकेशन है। तो इसे देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई ये एप्लीकेशन वाले क्लेम क्या कर रहा है और रियलिटी में लोगों के साथ क्या कर रहा है। वो दोनों चीज़ों का अगर हम लोग कंपेयर कर देंगे तो हम लोगों को रियलिटी मालूम पड़ जाएगी। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखो, ये एप्लीकेशन वाले क्लेम क्या कर रहा है कि 5,000 रुपीज़ से आप तो 2,00,000 रुपीज़ तक आप लोगों को पर्सनल लोन देगा, 8% से 18% के आसपास आप लोगों को इंटरेस्ट रेट देगा, और 6 मंथ से 24 मंथ्स तक आप लोगों को रिपेमेंट पीरियड मिलेगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एलिजिबिलिटी भी इतना कुछ है नहीं, आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए, इनकम चाहिए। लेकिन अगर आप लोग इस एप्लीकेशन पे अप्लाई करोगे पर्सनल लोन के लिए, मैक्सिमम केसेस में आप लोगों को रिजेक्शन ही मिलेगा। अभी फ़िलहाल तो नया एप्लीकेशन है, लेकिन ये एप्लीकेशन वाला इतना भी लोन प्रोसेस नहीं कर रहा है। ये एप्लीकेशन फ़िलहाल आप लोगों की डाटा के पीछे है, आप लोगों को लोन मिलेगा नहीं मिलेगा इन सब से कोई फ़ायदा नहीं है इस एप्लीकेशन का। ये एप्लीकेशन आप लोगों की डाटा के पीछे है, आप लोगों से पूरी डाटा तो कलेक्ट कर लेता है लेकिन बाद में लोन नहीं देता है। इस एप्लीकेशन पर बहुत ही कम लोगों को लोन मिला है गाइस, स्मॉल अमाउंट का लोन, हाई इंटरेस्ट रेट पे 7 डेज के लिए, वो सब चीज़ें तो छोड़ ही दो, लेकिन ऑलमोस्ट लोगों को लोन मिलता ही नहीं है। यहाँ पे अगर आप लोग रिव्यूज़ पे जाओ, बहुत लोगों ने बताया है कि भाई ऑलरेडी डाटा कलेक्ट करते हैं, फ्रॉड एप्लीकेशन है, एड्स दिखाता है भर भर के, और कोई भी लोन वगैरह नहीं देता है। तो ओवरऑल गाइस इस एप्लीकेशन की रियलिटी यही है, आप लोगों से डाटा तो कलेक्ट कर लेंगे, बाद में आप लोगों को लोन नहीं देंगे। और आपकी जो ये डाटा है ना, इसे रीसेल करके इस एप्लीकेशन की जो भी डेवलपर वाला है ना, वो पैसा कमा लेंगे, बस ऐसा ही फंडा है। ओवरऑल बिल्कुल भी अच्छा एप्लीकेशन नहीं है गाइस। अगर आप लोगों को अच्छा वाला लोन चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाओ, मैं आप लोगों के लिए इंडिया की top 10 पर्सनल लोन एप्लीकेशन का एक लिस्ट शेयर कर दूंगा। आप लोग उनमें से किसी भी एक एप्लीकेशन पे अप्लाई करो, आसानी से 1-2 दिन के अंदर आप लोग एक इंस्टेंट पर्सनल लोन ले पाओगे। ये जो क्रेडिट पॉकेट फास्ट कैश लोन एप्लीकेशन है गाइस, इतना भी अच्छा एप्लीकेशन नहीं है, आप लोगों के ऊपर है। आप लोग स्मार्ट बन रहे हो, खुद से खुद का डिसीजन ले सकते हो, तो आप लोग देख लेना आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट पे ज़रूर बता सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही है गाइस, बाय बाय गाइस, लव यू गाइस।